वाइजाग के आईडीबीआई बैंक के एटीएम से किसी अनजान व्यक्ति ने डुप्लीकेट कार्ड्स का उपयोग करके फ्रॉडुलेंट तरीके से कई लाख रुपए चोरी कर लिए। पहले कह रहे थे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, अब कह रहे चोरी हो गई। शक के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी संबंध में आज कमिश्नर डिटेल्स में प्रेस रिलीज देने वाले हैं। सर, ये पुराने गुनेगार हैं, इनसे हमें कुछ फायदा हो सकता है। ये सभी सुपारी लेते हैं और ये जिन लोगों से पैसे लेते हैं उनके इशारे पर ये नाचते हैं, जैसे हाईवे रॉबरी, चेन स्नैचिंग। डुप्लीकेट पेपर्स बनाकर कार लोन पर खरीदते हैं और बाद में उसे बेच देते हैं। लोगों के पॉकेट भी मारते हैं और उनके क्रेडिट कार्ड और कैश कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पॉकेट मारना इसका मेन धंधा है। बाइक से आके स्नैचिंग करता है। एटीएम से चोरी के मामले में पकड़ा गया था, जिसके लिए 2 साल सजा हुई थी। छोड़ दो इसे, हमें ऐसे लोग बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और सुनो, नाइट पेट्रोलिंग एक्टिव रखो। सर सर, अपना सर फोड़ के कोई फायदा नहीं है। इतना हाईटेक चोर वैजाक में कोई हो ही नहीं सकता सर। अगर होता तो अमेरिका चला जाता। बहुत बोल रहा है, चल निकल। ए चलो निकलो। हेलो, हाँ सर, वैजाक के हर ब्रांच के कस्टमर कंप्लेंट्स लेकर यहाँ आ रहे हैं और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ हमारे जोनल ऑफिस से भी काफी लोग आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एडीएम सेक्शन का है? क्यों मैडम? कंप्लेंट लिखानी है। वो लास्ट काउंटर पे चले जाइए। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देखिए आपकी समस्या सुनी गई है। प्लीज 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर कब तक होगा, हमें कुछ बताइए। लेकिन हमें न्याय कब मिलेगा? आपका एटीएम आप ही के पास है और उसका पिन नंबर आपको ही पता है, तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे किसने निकाले। इसका क्या मतलब है? हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे भाई, ऐसा मैंने कब कहा? आप ऐसा कहेंगे कैसे? मेहनत का पैसा हमने बैंक में जमा किया है आपके, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। शांत हो जाइए, जवाब मिलेगा। शांत हो जाइए प्लीज। आप इस बैंक पर भरोसा रखिए, मेरी बात मानिए, आपका नुकसान नहीं होगा। हम तुम्हारी बात माने क्यों? बैंक के लोन का 2 इंस्टॉलमेंट अगर हम नहीं भरे तो रिकवरी के लिए घर पे गुंडे भेज देते हैं। सर प्लीज, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। आप शांत हो जाइए, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाया है। एक्सक्यूज मी, आप इन्वेस्टिगेशन तो करवा रहे हैं, पर क्या गया हुआ पैसा आप इन्वेस्टिगेशन से पहले दे सकते हैं? प्लीज ऐसा कहकर आप लोगों को और मत भड़काइए। अरे पहले चोरी किसने की है उसका इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। अब और क्या होना बाकी है? आई एम सॉरी सर, मेरा अकाउंट तो मैं कल क्लोज करने वाला हूँ। प्लीज 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप शांति से काम लीजिए। तुम सब लोग अभी तक यही हो, तुम सबको भी फटका लगा। We don't care what you do, but our money better be safe. बिल्कुल सही कहा। देखिए, एटीएम से जो पैसे निकल रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे आपको नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। सर प्लीज। सर कहेंगे तो मैं पिघलूंगा नहीं। हर जगह से वो लोग पैसे निकाल रहे हैं, लगता है एटीएम का नया बिजनेस शुरू किया है। पुलिस आएगी तब पता चलेगा। हमारा कितना नुकसान हुआ मैडम? 25,000। एक बार तुम भी मुझसे ये बात पूछ लो ना मैडम। पुलिस आ गई। हाँ। ए, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? पहले हमारे पैसों के बारे में बताओ। पुलिस आ गई ना, अब वही सब बताएंगे। अरे पुलिस यहाँ क्या करेगी? पब्लिक पर हाथ उठाएगी क्या? क्या हो रहा है? बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। हाथ उठाऊँ क्या? इसका नाम एड्रेस ले लो। लेकिन क्यों सर? तू इधर आ। इसका नाम और एड्रेस लिख लो। सुंदरम सर, इनके बारे में क्या सोचा है आपने? सबकी डिपॉजिट काउंट कर ली गई है और जो पैसे गए हैं उसकी जिम्मेदारी बैंक लेता है। सुन लिया ना? सारे बैंक्स में यही सिस्टम है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसी बैंक में हुआ। दैट्स रियली शॉकिंग। ये है हमारे बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नंद कुमार माधव। हेलो। प्लीज। आपके बैंक के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स फेल हो गए, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, कुछ सोचा आपने? इसके पीछे टेक्निकल रीजंस क्या थे? कार्ड्स का डुप्लीकेशन या फिर कुछ और? गिव मी द कार्ड सर। सी, एटीएम कार्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप इंपॉर्टेंट होता है। कार्ड में टेप लगाना बहुत ही आसान काम होता है। वैसे हर कार्ड में 16 डिजिट का नंबर होता है, जिसके बारे में कस्टमर्स को नहीं पता, ओनली कंप्यूटर नोज। कस्टमर को सिर्फ ये 4 डिजिट पिन नंबर की जानकारी होती है। टेप के नीचे वाला नंबर और पिन नंबर अगर मैच हुआ तभी कैश निकल सकता है, और इतने सारे कस्टमर्स के सीक्रेट नंबर्स की जानकारी होना, इट्स इम्पॉसिबल। कोई भी सीधे मशीन से पैसा तो नहीं निकल सकता ना, ओरिजिनल हो या फिर डुप्लीकेट, कार्ड तो चाहिए। लेकिन ये कैसे हो रहा है एक्सपर्ट भी नहीं बता पा रहे सर। देन डू वन थिंग, वैजाग में जितने भी एटीएम सेंटर्स हैं बंद कर दीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा सजेशन है। क्यों, क्या हुआ? बड़ी बड़ी कंपनीज का अकाउंट है इन सब में, इन्हें बंद कर देंगे तो फिर हमारे लिए क्या रहेगा? इतना ही नहीं, इस कार्ड को यूज करके दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, तुम जैसे बिलो एवरेज कंप्यूटर लिटरेसी वालों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हेलो, कंप्यूटर चोर हो या समुद्र का डकैत, सभी को पुलिस ही पकड़ती है। गोपी, जिनका भी पैसा फंसा है स्टेटमेंट ले लो। यस सर। और लास्ट में इनसे भी। जी सर। इस दुनिया में बेअक्ल लोग भी अब आईपीएस बनते जा रहे हैं। वैसे ये कौन है? ये है नया एसीपी एच मोहम्मद। नया एसीपी बना है इसलिए जोश में है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऑफिसर आ रहा है। पहले वो भी आईपीएस था, पर अब नहीं है। प्राइवेटली साइबर क्राइम से इन्वेस्टिगेट करता है। हेलो। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आराम से सोकर जा सकते हैं सोचकर फ्लाइट का टिकट कैंसिल करके ट्रेन से आया हूँ मैं। 4 पैक पी करके सो गया, आँख खुली तो देखा सीधा अपने स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। ओके आता हूँ, बाय। मुंबई जाने के लिए कोई ट्रेन है क्या? जो आने वाली थी वो तो आई नहीं, जब आएगी तो चढ़ जाना। हाँ? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ट्रेन का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, जब आएगी तब बताएंगे। चलो आगे बढ़ो। आंखें क्या दिखा रहे हो? कंप्लेंट करना है तो उस डिब्बे में लिख करके फेंक दो और आगे बढ़ जाओ। सुबह आगे दिमाग खराब करने के लिए। विशाखापट्टनम के रेलवे जोन अधिकारी। हाँ। आज सुबह रेलवे इंक्वायरी काउंटर पर थे। एक बीमार की तरह चेहरा बनाकर लोगों को जवाब देते हैं, भिखारी की तरह। मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया उन्होंने। मुंबई जाने की ट्रेन पूछा तो बोला कि आने वाली ट्रेन पर चढ़ जाओ। इतने बड़े कामचोर हैं वो। क्या बोला? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ऐसे लोगों को काम पर रखने से बेहतर है कि उन्हें घर पर सोने के लिए रख दिया जाए, ताकि यात्रियों को उनकी वजह से कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। रेलवे को मेरी तरफ से ये सजेशन है, एलेक्जेंडर फिलिप्स। बॉक्स में डाल दो सर। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? बैंक जाने के लिए बोला था ना। बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माधव राव जी का ऑफिस है। बहुत गुड मॉर्निंग मिस्टर फिलिप्स, प्लीज कम। ला 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 ला। पेन, नंबर लिखने के लिए काम आएगी। बैठिए सर। थैंक यू। स्टेट से एक आर्किटेक्ट आए हैं, माधव सर उनके साथ मीटिंग में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके। आपके लिए कुछ लाऊं सर? नहीं बेबी, अभी शुरू किया तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे बैठ कर। सॉरी सर, थोड़ी अजीब लग रही है। एक्सक्यूज मी। श्योर। हेलो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हे, लिटिगेशन कुछ नहीं है, नॉमिनी के नाम की प्रॉपर्टी है, कमीशन मिल जाएगा। ब्रोकर और एक मंत्री हैं, ये बहुत अच्छी डील है, इसे मत खोना। मीरा, राइट। फिलिप्स। यस। तुम्हारे रहने की व्यवस्था बैंक के गेस्ट हाउस में है। ड्यू ड्रॉप। ओके। इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट ड्यू ड्रॉप है सर। ओके, लेट मी गो थ्रू द फाइल्स। मीरा। आई सर। क्या हुआ बेबी, बिना सुंदरम क्या? सर दिखने में तो ये आवारा दिखता है सर, काम तो ठीक ठाक करेगा ना सर? वैसे तो ठीक लगता है। तुम ड्रेस से पता नहीं चलता क्या? शेफ हूं। गेस्ट हाउस का लुक 5 स्टार के जैसा है। सही कहा ना बुड्ढे। मेरा बैग अंदर लेकर रखो। मैं यहाँ का शेफ हूँ, कुली नहीं हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सन्नी। क्या? सन्नी सा सा सन्नी, कभी सुना नहीं नाम? ओह सन्नी, ये कोई राजमहल नहीं है, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे धोती, ऊपर मामूली से बनियान, साथ में गमछा, यही तुम्हारा गेटअप होगा। एक दूंगा बस, सन्नी कहता है। चल बैग लेके आ। बेटा मेरे सांभर के टेस्ट से ही तुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा शेफ हूँ। रेडियो वेव्स आर मेनली यूटिलाइज्ड टू ट्रांसमिट डेटा विद इन वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स टू जस्ट 1 millimeter. द प्राइमरी मीडियम ऑफ यूटिलिटी और टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स and MRI wireless networking. As you all would probably know, an antenna or a radar is a popular device used to transmit electromagnetic waves. Sir? Although the... एक छोटा सा डाउट है। मुझे पूछना था कि इस टेलीपैथी फीलिंग का बेस वेव्स ही होता है ना? तो फिर इन वेव्स को रिसीव करके डिकोड करने के लिए कोई डिवाइस भी होगा। अरे ये डिवाइस तो हमारे दिल में रहता है अभिरामी। साइलेंस प्लीज। दरअसल ये जो बात है वो इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। अभिरामी के मन में एक डाउट है और इसकी उम्र में ऐसे डाउट आना स्वाभाविक भी है। सर सिर्फ इसी क्लास में अभिरामी को ऐसे डाउट आते हैं। सच ये है कि हमें जो कुछ दिखता है वो वैसा नहीं होता। सिर्फ शादी करने से कोई मर्द नहीं बन जाता मिस्टर। ऐसी बातों में दम नहीं होता, इन्हें वेस्ट क्वेश्चन कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको थोड़ी मेहनत करने पर मिल भी जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता। मनोज मेरे पीठ पीछे सीटी मारने का ये मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं चल रहा है। सॉरी सर। मिस अभिरामी, आपके डाउट्स को क्लियर करके आपको डिग्री देने की उम्र अभी आई नहीं है। जब आपकी इतनी उम्र हो जाएगी तब मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करके उनका जवाब दे दूंगा। ओके? ओके सर, तब तक मैं वेट करूंगी। तब तक वेट किया तो आपकी लाइफ वेस्ट होगी। अभी तुम्हें हिंदी आती है? सर आपको मराठी आती है क्या? सर हमारे क्लास में सभी स्टूडेंट्स मराठी में बात करते हैं, उनसे मराठी में बात करनी पड़ती है वरना मजाक उड़ाते हैं। अभिरामी याद रखो तुम मेरी स्टूडेंट हो। सर मेरी मम्मी भी मेरे डैडी की स्टूडेंट है। मैथ्स सर। 3 बार एंट्रेंस एग्जाम दे चुकी हो, एक बार तो पास होने की कोशिश करो। सर डैडी ने कहा है तेरे पास होते ही तेरी शादी करा देंगे। तुम्हें तुम्हें चालू रखो। हाँ मैं आ जाऊंगा 5 मिनट्स। सॉरी। आहा, अच्छा शौक है ये, रिचार्ज कार्ड्स कलेक्शन। बचपन में मुझे भी ऐसा ही एक शौक था, माचिस के डब्बे कलेक्ट करने का। उसके बाद कॉइन्स, फिर स्टैम्प्स, उसके बाद तो दारू पीने का शौक चढ़ गया। डोंट वरी, दारू पीने के बाद सब भूल जाता हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, आईटी प्रोफेशनल, अलेक्जेंडर फिलिप्स। वेंकटेश्वर अय्यर, यहाँ के पास के ट्यूशन सेंटर में ट्यूटर। थैंक यू, गुड टू सी यू। फिर मिलेंगे। पिछले कई दिनों से वाइजाग सिटी में एटीएम्स में होने वाली चोरी अब तक जारी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से भड़के हुए सारे कस्टमर्स अपना अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। यहाँ एटीएम सेंटर से पुलिस को हटाने की वजह से चोरी और बढ़ गई है। इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारी प्रतिनिधि निशा वहाँ मौजूद है। बताइए निशा, वहाँ क्या चल रहा है अभी? सुरेश, कंप्यूटर से होने वाली गड़बड़ी, एटीएम बैंकिंग सिस्टम और 24 घंटों की सेवा देने वाले इन एटीएम सिस्टम से लोगों का भरोसा अब उठने लगा है और उनका गुस्सा जायज भी है। आईबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नंद कुमार माधव इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस्टर माधव, आपका बैंक अभी काफी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। एटीएम से होने वाली चोरी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे जोन में इतनी बड़ी चोरी होना दरअसल ये पहली बार ऐसा हुआ है और इस विषय पे मैं इस वक्त आपको कुछ खास नहीं बता सकता। दरअसल बात यह है मिस्टर माधव, जो भी चोरी हो रही है वो आपके ही बैंक से हो रही है, ये आश्चर्य का विषय है। आपकी किसी से दुश्मनी है क्या? बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू मिस्टर माधव। वैजाग में होने वाली एटीएम से चोरी पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या हुआ? डैडी को अब दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। इस बैंक में मेरे डैडी जोनल मैनेजर हैं। खरा बोलता है, अजून काय होणार कळत नाही। आपको मराठी बोलनी आती है? Hey, hello. Hello. Come in. तुम्हें भी 7th floor पे जाना? हाँ, 7C. Hey, मास्टर, मैं अकेले रहता हूँ, मन हो तो आ जाना। जी, फ्री हुआ तो आ जाऊंगा। Please come. Sir, ACP. ये ACP क्या मजाक है। आप इन्हें जानते हैं सर? हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दे दो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फिलिप जी का इन्वेस्टिगेशन का डिटेल फाइल है सर। तो इसी पागल ने स्टेटमेंट तैयार किया है? हाँ सर, उन्होंने किया है। वो आपके दोस्त है ना? हम कभी हुआ करते थे वेस्ट फेलो। मिस्टर माधव, शैल आई? श्योर। सी, अब तक जो एटीएम रॉबरीज हुई है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रॉबरी हुई है ऐसी दुनिया में पहली बार है। ऑनलाइन बैंकिंग से ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक ही बैंक के कस्टमर्स की डिटेल्स निकाल ली है तो फ्यूचर में बैंक को ही टारगेट करेगा, जो निश्चित तौर पर बैंक के लिए खतरनाक होगा। अकाल मृत्यु। फ्यूचर के बारे में ऐसे बता रहा है जैसे कि ज्योतिषी हो। फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब देखिए, ये एसीपी आपको क्या बताते हैं, लेकिन इस रॉबरी के पीछे एक टेक्निकल मेथड है। मेरी नजर में वो एक टैलेंट है। अगर उसे इलेक्ट्रॉनिकल भाषा में कहें तो बहुत महान आदमी हो सकता है वो। अगर वो इसे इस्तेमाल करे तो हिंदुस्तान के सारे बैंक मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये सब सिर्फ इसी बैंक में हो रहा है, इसका मतलब है कि जो भी ये सारी रॉबरीज कर रहा है उसका मकसद सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। वो बैंक को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही आदमी हो, यह भी हो सकता है कि उनका पूरा एक समूह हो। सुनिए मिस्टर, यस, आपने सिर्फ साइंटिफिक तरीका बताया जो काफी नहीं है। चोर कोई भी हो सकता है, जिसे पकड़ने का काम पुलिस वालों का है। हमें अपना काम करने दो। ओह, आप अपने काम के बारे में ज्यादा मत बताइए। एटीएम में आने वालों के पॉकेट्स, बैग्स, यहाँ तक कि अंडरवियर तक चेक कर रहे हैं आप। इसकी वजह से लोग अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। और इसीलिए होम मिनिस्टर से बात करके एटीएम के पास से पुलिस को हटाना पड़ा है। और आप पब्लिक से ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बहुत बोल रहे हैं आप। मैं आपको पहले दिन से ही देख रहा हूँ, लगता है खाकी ड्रेस आपको पसंद नहीं है। सुनिए मिस्टर, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है तो हमें भी बताइए। अंजना अरोरा। नहीं नहीं, इनसे कहा मैंने। हाँ हाँ मिस्टर सुंदरम सर, ये अंजना अरोरा। वो मैंने उससे कहा। मिस्टर माधव, अभी आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि सारे अकाउंट होल्डर्स को अपना पिन नंबर चेंज करने का ऑर्डर दीजिए, और नंबर दो, मशीन में लोड करने वाली करेंसी का सीरियल नंबर रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम तैयार करवाइए। लेट्स सी। ओके। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसे लाइन पे कैसे लाऊं? सुनिए, आप ऐसे कैसे घूम रही हैं? इस उम्र में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हाथ यहाँ रखिए, इसे यहाँ रखिए, ठीक है? अब डिंग डॉन्ग, ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे hey, और ऐसे। Who are you? Instructor? No no, yeah, instructor. पकड़िए ना। ज्यादा ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा ट्विस्ट हुआ तो कमर में तकलीफ हो सकती है। ऐसे आराम hey, से। क्या कर रहे हो आप? यहाँ कोई था नहीं, इसलिए मैं बताने लगा। यू गलत मत सोचिए, मैं भी आपकी तरह ही सीखने आया हूँ। ओके, सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वी आर वेटिंग फॉर यू। और ये है मिस रूपा, हमारे बैंक की हेड। मुंबई के हेड ऑफिस ने इन्हें आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ भेजा है सर। हेलो। हाय। एक मिनट सर। सर, ये अकाउंट का पैसा नहीं है। सर ने मुझे फोन करके बता दिया था। माधव सर जी का अनअकाउंटेड मनी 2 दिन के लिए यहाँ रखना पड़ा। बहुत अच्छा है। ब्लैक मनी के लिए बैंक का स्ट्रांग रूम अच्छा है। वाह वाह, दोनों यहाँ बैठकर पैसे चोरी करने के लिए प्लान बना रहे हैं। ए नाजिर, तुम्हारे अकाउंट से फिर से पैसा निकल नहीं निकला है। जो गया था वो सब मिल गया। मेरा पैसा मुझे दो। अब तक मेरा जो भी पैसा गया है अभी के अभी दो। तुम्हारे अकाउंट से कितनी बार पैसे निकले हैं? ये तुम इनसे क्यों नहीं पूछते हो? ये इसके साथ दूसरी बार हुआ। किसी और का भी एक बार से ज्यादा पैसा निकला है क्या? अभी तक तो किसी ने ऐसी रिपोर्ट नहीं की। मिस्टर, उस चोर की तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? अब ये तो उस चोर से ही पूछना पड़ेगा। चलो चाय पी कर आते हैं। आप कह रहे हैं तो चल लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पैसा गया ये बात तुम्हें कब पता चली? जब ATM कार्ड लेकर पैसे निकालने गया तब पता चला। अरे चाय पीने के लिए दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए या नहीं? क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे अब तक कितने पैसे गए? आज तक कुल मिलाकर 50,000 तो चले ही गए हैं। अरे बाप रे बाप, मार दिया मुझे। मार रहा है क्यों? अब सच बताओ, तुम्हारे कितने पैसे गए? बताता हूँ, पहले पैर हटाओ। बताओ कितने गए? कितने बता दूं? जितने गए हैं उतने ही बता दो। 25,000 रुपए गए हैं। बस इतने। और बचे हुए? ये देखो मेरी जेब में ही है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? अब निकलो यहाँ से। अरे बाप रे। नो, इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हो भाई। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हे, गिव इट बैक। क्यों इस तरह की बेवकूफी कर रही हो? इसे पुलिस ने अरेस्ट किया तो कल न्यूज बन जाएगी और इस तरह से बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाना चाहेंगे। किसको किसको रोकेंगे हम? समझ में नहीं आता तुम्हें। सॉरी, इट्स ओके। ओए, शर्ट पर शर्ट पहनने वाले जोकर कहीं के, दरवाजा बंद करके मुझे धमकाते हो? अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। अरे बाप रे बाप। मच्छर मार रहा है क्या यहाँ पे? हा? ये टेक्निक यहाँ पर अगर किसी को पता है तो वो मैं हूँ। शाम को 6 और 7 बजे के बीच में यही खेल यहाँ हर रोज खेलना ही पड़ता है। धीरे धीरे तुम भी ये खेल खेलने ही लगोगे। मच्छर बैठा था। आज अचानक मच्छरों पे हमला क्यों कर रहे हो? आज यहाँ एक और गेस्ट आई है जो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम फूल जैसी। व्हाट अ सरप्राइज। हॉस्टल में एज अ पेइंग गेस्ट रहना बहुत बोरिंग है। उपमा के अलावा कुछ बनाते ही नहीं है। बैंक के दिए हुए गेस्ट हाउस और कुक को कोई भला कैसे मना कर सकता है? बिल्कुल सच कह रही हैं। फिर भी एक अकेली लड़की। तो क्या, जहाँ पर भी जाऊँ अपने मॉम डैड को साथ ले जाऊँ? मैं हूँ ना। अरे छोड़ो, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बहुत डिसेंट हूँ मैं। डिसेंट नहीं रहोगे तो भी चलेगा, मैं मैनेज कर सकती हूँ। ये सही बात है। तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, किसी भी होटल से टेस्टी खाना। कमाल का हाथ है इसका। मारने से कोई फायदा नहीं है। कहना क्या चाहता है? रूम ओनर ब्रह्मचारी है। अगर तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ कर गया तो ये घर अशुद्ध हो जाएगा। आज से ये मेरा केयर टेकर। चल जा, चाल लेके जा। कुछ सोचना मत, यहाँ से वैसे ही है। फिलिप्स। अरे आई है मास्टर। तुमने पेनड्राइव मांगी थी ना, वही देने आया हूँ। ये है वेंकी, नेबर है, बहुत सीधे साधे इंसान है। वेंकी, ये है रूपा। रूपा, हाँ। मम्मी का नाम डॉल, पापा का नाम रूबल। वेंकटेश। हाय। कंपनी में नई नई आई है, चलो बाहर डिनर करते हुए बात करेंगे। हाँ श्योर, मैं तैयार हो गया था। हाँ। रूपा, मेरे बारे में अभी किसी को कुछ मत बताना, अभी मैं सिर्फ ऑडिटर हूँ। ओके। ताका झांकी करता है, छुप छुप के लड़की को देखता है। तेरी तो ए, क्यों मार रहे हो तुम लोग इसे? छोड़ो, तेरी तो अंदर जाएगा। हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अंदर जाएगा। क्यों फिलिप्स, रूपा नजर नहीं आ रही? क्यों भाई, उसे देखे बिना नहीं रह पा रहा है क्या? क्या कह रहे हो यार, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए। क्यों, तुम भी ट्राई कर रहे हो? तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, उसे अपनी सिस्टर की तरह समझो। इतनी खूबसूरत लड़की को भला कौन नहीं चाहेगा। अलग ही टाइप की लड़की है वो, कुछ भी करो कोई फायदा नहीं। रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, तुम कहानी लिख रहे हो? हाँ, यह स्टोरी किसी और आदमी ने लिखी हुई है, मैं उसका क्लाइमैक्स लिख रहा हूँ। तुमने रॉबिन हुड की कहानी पढ़ी है क्या? हाँ पढ़ी है ना, द प्रिंस ऑफ थीव्स। हाँ, एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, पूरी दुनिया को अपने दिमाग से घुमाने वाला एक बहुत बड़ा चोर। इनफैक्ट आई एम रनिंग आफ्टर रॉबिन हुड। सॉरी मास्टर, सच बोलने का समय मुझे लगता है आ गया है। मैंने अपने आप को ऑडिटर कहा था ना, दरअसल वो मेरा जॉब नहीं है। आई एम एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यहाँ पर हो रहे ATM रॉबरी का पता लगा रहा हूँ। बैंक ने मुझे इस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है। अच्छा, ये बात है। अच्छा बताओ, तुमने अपने असाइनमेंट का नाम ऐसा क्यों रखा? रॉबिन हुड? एक इंट्यूशन, शायद इन रॉबरीज के पीछे उसका इंटेंशन कुछ अच्छा हो। कहां तक पहुंचे हो? हाथ बढ़ा के उसे पकड़ सकता हूं। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। तो समझ लो तुम्हें पार्टी देनी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, सर भी यही है क्या? हाँ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अभी। ओह। बाय। हेलो सुंदरम। हाँ सर। अब तक जितनी भी चोरियां हुई हैं वो रात को 12 से 3 के बीच हुई है ना। डू वन थिंग, आज के दिन उस टाइम पे जो भी कैश विड्रॉ करने आए उसका कार्ड मशीन में फंस जाना चाहिए। ओके, गिव द इंस्ट्रक्शंस। ओके सर। मलाड के लिए कैसे जाना होगा? यहाँ से सीधे चल। मेरा बैग! इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? लाश तो देखकर आ रहे थे सर, बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है इसीलिए। ज्यादा देर यहाँ मत रुको, निकलो यहाँ से, चलो बढ़ाओ। ओहो, तो तुम भी हमारे बिरादरी के हो। This is the card. Now the track is clear. कैसे? इतने लोगों का सीक्रेट डाटा आखिर वो कैसे कलेक्ट करता था? That question still remains. No, nothing remains. I will make it clear. सुंदरम, तुम लैंडलाइन नंबर से बात करते हो ना? मोबाइल से रिंग होने पर लैंडलाइन फोन डिस्टर्ब होता है ना? Right? Yes. स्टूडियो में अगर हम गाना सुने उस वक्त मोबाइल रिंग हो तो भी डिस्टर्ब होता है ना? Yeah. क्यों ऐसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। No. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फंक्शन होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। एंड आवर एटीएम मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कार्ड इंसर्ट होते ही मशीन में होने वाली एक एक प्रोसेसिंग इक्वल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में सैटेलाइट पे जाता है। इस वेव को डिकोड करने के लिए एक डिवाइस होता है, लेकिन उसका यूज एक जीनियस ही कर सकता है। एंड आई थिंक दैट इज हैपनिंग हियर। एटीएम मशीन के आसपास किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से या आसपास खड़ी किसी गाड़ी से कोई इस डिवाइस का इस्तेमाल करता है। हाँ सर, सर्चिंग स्टार्ट कर दी गई है सर। अभी हम जोनल ऑफिस के सामने हैं। जी सर, हम लोग हर एटीएम को चेक कर रहे हैं। यस सर। स्टॉप स्टॉप, क्या रे इतने स्पीड में बनने जा रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, मुझे दरअसल कहीं पहुंचना था। बाद में चले जाना, पहले हमारे सर के पास चल। क्या वो हाथ दिखाया तो ये रुक नहीं रहा था सर, ऊपर से हेलमेट भी नहीं है इसके पास। इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? रेलवे स्टेशन से। चलो साइड में खड़े हो जाओ। क्या उड़ाने के फिराक में है? कुछ नहीं सर। अरे ये क्या, मुझे क्यों रोका? चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताता हूँ, चलो छोड़ो मुझे। ये पी के ड्राइव कर रहा है सर। क्यों रे पीकर गाड़ी चला रहा है, वो भी बिना हेलमेट के? ऐसे ही ठीक है ना, पी के कोई हेलमेट पहनता है क्या? क्या रे तुझे जीने का शौक नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मैं हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो देखा एक आदमी बिना हेलमेट के जा रहा है। हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना गलत बात है, इसलिए मैंने अपना हेलमेट उसे दे दिया। चल अभी अपना लाइसेंस दिखा। लाइसेंस तो मैं घर पर ही भूला तो। इसे साइड में लेके चलो। चलो मेरे पास है। ए भाई बहुत तकलीफ हो रही है ना? रूल्स भी बड़े अजीब हैं, दो पैक की भी इजाजत नहीं है। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ। देखो भाई एक और रूल आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, इन्हें तभी पता चलेगा। गाड़ी में बैठने वालों को अंडरवियर पहनना जरूरी होगा, वो भी ISI मार्क वाला। एक्सीडेंट हुआ ना तो हेलमेट बचेगा और अंडरवियर ही बचेगा। वो वेंकी लग रहा ना? हाँ वेंकी। क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया क्या? इसके पास मत जाना, बहुत मारता है ये। क्यों, क्या बात हो गई? हेलमेट नहीं लगाया क्या? अरे 150 दे दो, ये लोग छोड़ देंगे तुम्हें। नासिर तू कैसा भाई? सुनो मैं मैनेज करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है सर, गलती हो जाती है, छोड़ दीजिए सर, मेरा दोस्त है। तो यहाँ तक कार चलाकर तुम ही लाए हो क्या? सुनाई नहीं दिया? सुना मैं ही। पी के गाड़ी चला रहे हो। जिनके पास अकल होती वो बिना पिए नहीं चलाते, वो भी इस समय। एक मिनट, 2 पैक पिए। सॉरी मानता हूँ गलत है, प्लीज। चल तू रट। माइंड योर वर्ड्स। दामाद के जैसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? इज्जत से बोलो। किनारे खड़ा हो जाता हूँ मैं। इसे देखकर सोचा था हमें बचा लेगा, लेकिन ये तो खुद ही फंस गया। तुम यहाँ तुझसे नहीं कहा, मैंने सोचा मुझे हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना जुर्म है। अभी एक काम करो, 200 रुपए फाइन भरो और जाओ। ठीक है। हाँ दिखा। सॉरी सर, आइंदा से ध्यान रखना। ले लूं? हाँ। इंश्योरेंस कंप्लीट सर, मैं इसकी जमानत देकर इसे ले जा सकता हूँ? देखो ऐसे ही ड्रामा करते रहे तो तुम्हारी जमानत के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। लाओ दो मुझे। ठीक है चलो गाड़ी देकर जाओ। और कहाँ है? ए वेंकी मैं भी आ रही हूँ। 5 मिनट रुको, मैं भी चल रहा हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जनरल हॉस्पिटल जाना है, ब्लड चेक करवानी है। ब्लड चेक क्यों? मुझे एड्स है क्या? चलो चलो, इसकी रिपोर्ट आने तक तो हम घर पहुँच जाएंगे। बाय। ओह बिल्कुल सही समय पर आया हूँ मैं। लगता है अभी अभी उठे हो, ब्रश वगैरह कर रहे हो। टाइम देखो कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। फिजिक्स मास्टर, हाँ एक डाउट था, पूछूं क्या? ATM ऑपरेट करते समय आने वाले EM वेव से उसे डिकोड करके डेटा कलेक्शन करना आसान होता है क्या? एनी चांस? आसान है। आसान है ना? देखा मेरा टैलेंट, आई एम ऑन राइट ट्रैक यार। लेकिन ऐसी बात है कि क्या क्या बात है कि डिटेल में तो चोर ही बता पाएगा। बहुत नाटक कर रहे हो तुम। ठीक है जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे ड्रॉप कर देना। हाँ आ रहा हूँ। सुनो बैंक से अर्जेंट कॉल है, मैं जा रहा हूँ। सिर्फ इस रिचार्ज के कार्ड के मिल जाने पर मास्टर पर डाउट करना गलत होगा ना? तुम्हारे अंदर की पुलिस की आदत अब तक नहीं गई है। वो जब से मुझे मिला है तब से मुझे उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। आज मेरा डाउट क्लियर हो गया। क्या बात कर रहे हो, डाउट? अच्छा बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम तो खूबसूरत लड़की हो। ओह, तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर कैसे चलूंगा इस बात का डर है मुझे। ये सब छोड़ो, पहले उस चोर का पता लगाओ। आज से चोर का काम खत्म। सिटी में लगे सारे कैमरास को एक्टिवेट करने के लिए बोल दिया है। कार्ड इंसर्ट करते ही वहाँ का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और वहाँ पे कैमरा है ये बात उसे पता नहीं होगी। वेंकटेश। यस। ग्लोबल एंट्रेंस कोचिंग सेंटर में फिजिक्स टीचर। मम्मी पापा तुम्हारे चेन्नई में सेटल है और यहाँ के किसी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, राइट? आपको कैसे पता? मैं ये तुम्हारा फेस देखकर बता रहा हूँ। फेस देखकर नहीं सर, डोंट वरी सर, ये मेरे डैडी हैं। क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बेटी ने बताया मुझे। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता सर। अगर मैं अच्छा पढ़ाता तो अभिरामी अभी तक पास हो गई। मेरे पास होने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलता हूँ सर। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। सर टी शर्ट बहुत अच्छी है। सर, कार्ड इंसर्ट करते ही कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और कार्ड एग्जिट करते ही सामने वाले की तस्वीर कैप्चर हो जाती है। ओके। फिलिप्स, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट। 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 ये है कैमरा एक्टिवेशन मोड, ये सिर्फ हमें पता है। फिर भी उसने इसे हैक किया। दैट मीन्स वो हमारे ही बीच का कोई है। रूपा, उस इमेज को जरा फिर से दिखाओ। स्टॉप। सुंदरम, गेट मी अ वैक्यूम क्लिप। श्योर। मिस्टर रॉय। सर, मशीन में जो कैमरा था उसका आउटपुट आ गया। जी सर, आउटपुट आ गया। रूपा, इंसर्ट योर कार्ड। ओके, अभी अपना पिन डालो। गेट सम अमाउंट। कार्ड निकाल लूं क्या? नो, वेट। सुंदरम सर, इस ऑफिस के पास जो एटीएम है उसके अलावा बाकी सारे एटीएम क्लोज कर दो, ठीक है? जल्दी करो। रूपा, हाँ? एक बात कहूं, तुम्हें माननी पड़ेगी, इन सब के पीछे वेंकी है। Are you sure? 100%. Then inform the police, Phillips. But we have no solid evidence. It's up to the police to collect the evidence. No. क्यों? क्रेडिट पुलिस को जाएगा, इस बात का डर लग रहा है? Damn you! अगर ये सब बातें मैंने पुलिस को बताई तो उसे मार पीट करके उसे उगलवाएंगे। It's a scientific crime. We need solid evidence. हमें उसे रेड हैंडेड पकड़ना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है। ऐसा कैमरा लगाऊंगा कि उसे दिखेगा ही नहीं, उसे पकड़ के ही रहूंगा। सुंदरम, बाकी एटीएम के सिक्योरिटीज को इंस्ट्रक्शन दो कि आने वाले कस्टमर्स को बोले कि सिर्फ यही एटीएम काम कर रहा है। ओके, ऑलराइट। रूपा, तुम देखते रहना, वो जरूर आएगा और आज के दिन वो पकड़ा जाएगा। प्लीज ना डैडी। पैसे का अच्छा इस्तेमाल करना सीखो। मैं सिर्फ बैंक में मैनेजर हूँ। बैंक का सारा पैसा मेरा पैसा नहीं है, इससे फीस भर लेना। ओके डैडी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। डैडी, फीस के लिए अलग से पैसे लूंगी। तुम्हें तो मैं रूपा, हे, You got bloody. Look, look, look. Sorry, it's not working. Come on, quick. Hey, back, back, back. See, Venkatesh Iyer. Venki ने अपने ही अकाउंट से पैसा निकाला है। जी? दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? अब सॉरी। सॉरी भैया, गलती तो किसी से भी हो सकती है। सॉरी से नहीं चलता, सामने देखकर गाड़ी चलाया करो। गाड़ी में बैठ कर लवर को देखते रहते हैं। नहीं, ये इडियट वो। उसे भी पता चल गया हम लवर्स हैं। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अगर इंस्टीट्यूट से किसी ने देख लिया तो? इसे सुनो। सच बताऊं तो मैंने एक टीचर से प्यार किया था। हम दोनों ही नहीं, ऐसे हम दोनों नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरी बदनामी करने की ठान ही ली है तुमने। मैडम प्लीज नीचे उतरिए। एक मिनट। भाई ऐसा काम करने से पहले प्राइवेसी रखनी बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ। ऑपरेशन की दुनिया है ना भाई, इसीलिए सावधान रहना पड़ता है। इतना कमाने पर भी मन नहीं भरा। बड़ी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया तो नाम खराब हो सकता है। अब ऐसा मुझे लगता है। नाम खराब होगा इस पर ध्यान नहीं देता, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस किसी तरह कब्जा मिलना चाहिए। अब और बार्गेनिंग नहीं। पार्टी को 2 करोड़ और मुझे 1 करोड़। कॉर्पोरेशन के MD और आपके बीच में क्या है ये हमें नहीं पता। एज एन एडवांस 2 करोड़ दूंगा लिक्विड कैश। कैबिनेट डिसीजन के लिए MD के मिलने पर 2 करोड़ और दूंगा। फिर बैलेंस। Hey, बिना पेपर्स के प्रॉब्लम हो सकता है ना? अगर विजिलेंस की इंक्वायरी हुई तो हाई कोर्ट में पेपर भी देने पड़ेंगे ना। बीच में अगर मीडिया वाले आ गए तो उनको भी संभालना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है, ये सब देखना होगा। वॉइस रिकॉर्डर तो मेरे घर में मेरे पर ही स्ट्रिंग ऑपरेशन। प्लीज गलती हो गई, जाने दो। मंत्री जी, आप जो जरूरत से ज्यादा कमाने की सोच रहे हैं ना, वो बेकार है। सिर्फ 3 साल और आप गद्दी पर रहेंगे। मैं जो कह रहा हूं वो कीजिए तो फायदे में रहेंगे, समझ गए? क्या बोलते हैं सितंबर 18th, फर्स्ट एडवांस? ठीक है। जानते हो वेंकी, मेरे लिए पैसा सेकेंडरी है, पर मेरी उसके साथ थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये रिवेंज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेट जगत में ऐसा सब चलता ही रहता है। इस प्रॉपर्टी से मेरे कंपनी को बहुत फायदा होगा। वेटर, उस टेबल पे एक बटरस्कॉच देना। Wherever you go, I'm there. तुम जहाँ भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मास्टर। अभिरामी वो, हाँ जानती हूँ, आपकी दोस्त है। नहीं तो क्या आपके ससुर की बेटी है? दीदी, आपने आइसक्रीम खा ली ना, अब हम दोनों को अपनी लाइफ के बारे में सीरियस डिस्कशन करना है ना? बिल सर दे देंगे, आपका फोन नंबर दे दीजिए, ये बाद में बात कर लेंगे आपसे। हाँ, ओके। अभिरामी, वो कौन थी तुम्हें पता है? गर्लफ्रेंड या लवर कहा ना, तो चिल्लाकर यहाँ पर सीन क्रिएट कर दूंगी। आहा, मेरा केयर टेकर कितना अच्छा है, देखो तो मेन डोर से लेकर सब कुछ खुला हुआ है। बी केयरफुल। वो सोया है, ये बात मैं मान नहीं सकता। की होल के अंदर कुछ डालकर अपना ड्रेस चेंज कर लो, यही सेफ है। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मैं अभी अभी आया, बहुत थक गया हूँ। आओ। नहीं, कल मिलूंगा। गुड नाइट। ओके। हेलो, इधर आओ, इधर आओ। Now the time is up. चलो उसका फ्लैट चेक करते हैं. चलो. वो गलत होगा. Come on, चलो. अब ये लोग यहाँ से उस वाले फ्लैट में क्यों जा रहे हैं? सुनो ना फिलिप, चलते हैं. ये क्या चक्कर लगा रहे हैं? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. कुछ टूटा है. वायलेंटली हो रहा है. देख रही हो इसे? मास्टर के पास सिर्फ पेन नहीं, गन भी है. ठीक नहीं कर रहे हो. किसी के फ्लैट में इस तरह घुसना ठीक नहीं है. मैं जा रही हूँ. हे रूपा. मैडम मैंने कुछ नहीं देखा. तुम अपने आनंद से बाहर नहीं आओगे ना? तेरी तो. अरे मुझे छोड़ दीजिए सर. ये लो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? जो भी देखा है भूल जा, नहीं तो. सर सर मैंने कुछ नहीं देखा. सूट बूट पहनने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए. इतने दिनों से मेरे हाथ का सांभर खाया और मुझे तेरी... मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यार. मैं सुबह 4 बजे तक जगा था लेकिन वो वापस नहीं आया. तो फिर मेरे ख्याल से अब तक हम लोगों ने जो भी देखा वो सिर्फ सैंपल था. राज खुलना तो अभी बाकी है. ये सब छोड़ो और वर्कआउट करो. तुम्हें रात को टाइम से सो जाना चाहिए. सच बताऊं बहुत दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ. हाँ? तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की जब एक ही कमरे में सो रही हो तो नींद कैसे आएगी? हाय. क्या बात है, तुम लोग सुबह सुबह इतना हंस रहे हो? अरे वाह, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए. बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ. हे, आज तुम फ्री हो क्या? आज इसका बर्थडे है. क्या बात है, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. सिटी में एटीएम सेंटर्स क्लोज करने के बाद भी एटीएम से पैसों की चोरी हुई है. इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें आईबीआई बैंक का कार्ड यूज किया गया है और उसमें कैश विड्रॉ किया गया है. होम मिनिस्टर ने इस मामले को देख रहे एसीपी को इसके जांच के आदेश दिए हैं और लोगों को सावधान रहने को कहा है. हेलो, फंक्शन स्टॉप कर दो. यहाँ के सारे कंप्यूटर्स शट डाउन कर दो. क्यों सर? जितना कहा गया सिर्फ उतना करो. बिना परमिशन के यहाँ से कोई स्टाफ बाहर नहीं जाएगा. ठीक है सर. गोपी सर, कस्टमर्स को बाहर भेजकर बैंक लॉक कर दो. ओके सर. आप लोग बाहर चलिए. चलिए बाहर चलिए. आइए आइए. चलिए आप भी चलिए. चलिए चलिए. ये कौन है? ये सेक्रेटरी और ये सिस्टम हेड. ओके. साइंटिफिक काम करने वाला तुम्हारा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कहाँ है माधव? भाग गया क्या? बैंक तुम्हारा, कस्टमर्स तुम्हारे, गया हुआ पैसा तुम्हें ही भरना है और इंक्वायरी करने वाला भी तुम्हारा ही आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं चोरी भी तुम में से ही कोई कर रहा हो? चोर कोई भी हो उसे पकड़ने का काम पुलिस का है, ये बात तो हमें भी पता है और ये बात तुम भी जानते होगे, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। आज सुबह पेपर में पढ़ा, पुलिस ने इनाम रखा है कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। अरे भाई, अब हम लोग तो ठहरे बिलो कंप्यूटर लिटरेसी वाले लोग, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। वैसे एक्सपर्ट ने इस मामले में क्या किया है? मेरा काम खत्म हो चुका है मिस्टर माधव। ये देखिए मेरे असाइनमेंट की फाइनल रिपोर्ट, चोरी के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और उसका डिफेंस, इसे पढ़ लीजिएगा। मरने के बाद कुंडली का क्या काम? वैसे पता है आरबीआई ने हमारे काम की तारीफ की है। वो तुम्हारा लक है। अब क्या करोगे, तुम्हारा काम तो हो गया, अब जाना चाहोगे? यही रुक जाऊँ क्या? सर मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है सर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? हेलो, चली जाना, अभी रुको। कस्टमर्स के सीक्रेट डेटा के बारे में सिस्टम हेड ही बता सकती है। तुमसे बहुत सवाल पूछना है मुझे, लेकिन यहाँ नहीं, हमारे ऑफिस में। अभी लेकर नहीं जाऊंगा, जब मैं बुलाऊंगा तब तुम्हें आना होगा। ओके? अंजना अरोरा। तो तुमने उसे अभी तक नहीं छोड़ा? क्यों छोड़ूंगा उसे, कॉलेज में भी सता रहा था और यहाँ भी बाज नहीं आ रहा। मुझे पता है वो मारवाड़ी लड़की तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारा तो सच्चा प्यार है। कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से भी की थी, उसने आके दिखा दी, मैंने पीछा छोड़ दिया। भूलना सीखना चाहिए दोस्त। हे, कहाँ अटका है यार तू, छोड़ना। गोपी सर। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक ये भी नहीं बोल सकता। एनीवेज, गुड लक। हाय वेंकी, मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से। मेरा काम खत्म हो चुका है। ओह, एटीएम रॉबिन हुड कंप्लीट। हाँ, मेरा जो काम था वो तो मैं अपनी तरफ से कर चुका हूँ। हाँ सुंदरम, एक इन्फॉर्मेशन है सर। जो भी इन्फॉर्मेशन हो मुझे नहीं, पुलिस को बताओ, मेरा काम खत्म हो चुका है। ये भी एक सर दर्द है। अच्छा बोलो। आपने जैसा कहा था, बैंक से बदला लेने के लिए बैंक का कोई आदमी ये सब काम कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है सर। ओके सुंदरम, ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। ओके, डू वन थिंग इमीडिएटली, नेक्स्ट चेन्नई फ्लाइट के लिए 2 टिकट्स बुक करा दो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके बाय। ओके सर, बाय। तुम जा रहे हो? हाँ, एक छोटा सा काम याद आ गया, मिलते हैं फिर कभी। सिद्धार्थ, अंधेरी ऑफिस से इंफॉर्मेशन आते ही मैंने ये निकाल के रखा है। आपकी ये काम आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे एक फोटो मिली है जो आपके काम आ सकती है, ये देखिए। सिद्धार्थ, खड़गपुर आईआईटी से इलेक्ट्रॉनिक टॉपर, 24 साल की उम्र में ये बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे आया था। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, पीछे इसका एड्रेस लिखा है। सर, मुझे स्टाफ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने 20 लाख रुपए की कंप्यूटर से चोरी की थी, ऐसा उस पर चार्ज लगा था। उसके बाद उसे 3 साल की जेल हो गई थी। 3 साल के बाद उसे छोड़ दिया गया। वो इस वक्त कहाँ है ये किसी को नहीं पता, डीजीएम को भी नहीं पता। उन्होंने भी यही कहा। उसका फोटो मिला? नहीं, सिर्फ एड्रेस मिला है। ट्रेजेडी क्या है आपको पता है सर? महाराष्ट्र सरकार के सभी लोग आदर करे, एक ऐसे आईएएस ऑफिसर का बेटा है वो। लेट्स सी। आप लोग कौन? मैं फिलिप, सिद्धार्थ का दोस्त हूँ, उससे मिलना चाहता था। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। सिद्धार्थ के पिताजी। सिद्धू का दोस्त है। यही है सिद्धू का बेडरूम। फिलिप सर, मैं इसे जानता हूँ सर। मैं भी। आपको क्या लगता है ये सब उसी ने किया होगा सर? नो, नेवर। सर, यस। एटीएम की चोर को जिसने देखा था ये वही है सर। 5 लाख रुपए के रिवॉर्ड के लालच में ये बताने आया है सर। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? पहचान लूंगा सर। उसका चेहरा तुमने अच्छी तरह से देखा था? हाँ जी सर। गोपी सर, इसे तुम स्केच एक्सपर्ट के पास ले जाओ। ओके सर। सर क्या हुआ? चोरी करने का इरादा है क्या? मेरे डैडी तुम्हारे घर गए हैं। दामाद को ढूंढने वाले घर में अपराधी को ढूंढने गए हैं। उनके साथ अलेक्जेंडर भी गए हैं। डैडी मना कर रहे थे कि वो तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहते थे। सर, मैं अभी इस बार तुम्हारा नाम रैंक लिस्ट में होना चाहिए। मैं इंतजार करूंगा, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और हाँ, जब तक तुम मेरी क्लास में हो प्लीज मस्ती मत करना। You okay? I'm gone. I'm just tired. Yeah. This thing with Sean, it's crazy. I mean, what happens when Jake gets into his first fight at school? Baby, it's gonna be fine. हाँ, कहाँ गए थे तुम? कम से कम बता कर तो जाते। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? तुम सिद्धार्थ को जानती हो क्या? वो कौन है? तुम्हारा पति और कौन? क्या समझती हो जेम्स बॉन्ड की हीरोइन हो तुम? साथ मेरा कि धोखा देती हो सबको। तुम्हारी सोच गलत है फिलिप्स। जिस रॉबिनहुड को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। ये तुम्हें भी पता है और मुझे पता है कि तुम्हें पता है। और एक सच ये तस्वीर भी है और हम दोनों के बीच ये प्यार अभी अभी नहीं हुआ, हमेशा से है। मैं आई तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या हुआ सिद्धू? ये देख रही हो तुम, 3 दिनों से कह रहा हूं। एक सिस्टम मैनेजर की हैसियत से मेरे हाथ आया एक हैंड साइड का क्रॉस चेक। उसे वेरीफाई किया तो बहुत सारे रिसीट्स, बहुत सारे पेमेंट्स और सब के सब फेक। जब मैंने उनके रजिस्टर्स चेक किए तो सारे एड्रेस फेक निकले। 123 करोड़ रुपीस मिसिंग है। हाँ? क्या कह रहे हो? सोचता हूं तो डर लग रहा है, किसी से कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही। नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमने अपने जोनल मैनेजर के बारे में बताया था ना, तुम जाकर उसे क्यों नहीं बता देते? यही ठीक रहेगा। फाइनल ऑडिटिंग हो गई है। जब हमने इंटरनल ऑडिटिंग की तो उसमें एक बात सामने आई, दिए गए डेट्स पर स्ट्रांग रूम के स्टॉक रजिस्टर में सिर्फ एक ही आदमी के सिग्नेचर्स हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? 3 करोड़ मिसिंग कैसे हो सकते हैं? सुनकर तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। स्ट्रांग रूम के स्टॉक रजिस्टर को चेक करना होगा सर। मुझे लगता है ऐसा करने से इसमें किसका हाथ है पता चल जाएगा। सिद्धार्थ, मुंबई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राम मोहन इवनिंग की फ्लाइट से आ रहे हैं। कल हम दोनों चलकर उनसे मिलते हैं, ये फाइल उन्हें देंगे, फिर उसके बाद उनकी प्रेजेंस में ही चेकिंग कर लेंगे, ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं सर, यही ठीक रहेगा। डेजिग्नेटेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कांग्रेट्स। थैंक यू। स्वामी जी, सिद्धू और रूपा की शादी की तारीख कब रखेंगे? डेट फिक्स हो जाए तो हम धूमधाम से शादी मनाएंगे। अब ये तो वही बताएगा ना। अरे पापा, ये मेरे जोनल मैनेजर है। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज सर। मेरे लिए भी सर। मेरा नाम नंद कुमार माधव है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वेलकम। माफ कीजिएगा सर, मैं आपके अभिनंदन के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी कांग्रेट्स। एक मिनट सर। सर ये है वेंकटेश्वर राव, डीएसपी क्राइम ब्रांच, ऑन ड्यूटी। अब इनकी ड्यूटी ही ऐसी है कि ये किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इस खुशी के माहौल में अड़चन पैदा करने के लिए माफी चाहूंगा। ये लोग सिद्धार्थ को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। What do you mean? हाँ सर, आपके बेटे ने बैंक से 20 लाख की चोरी की है, इसीलिए अरेस्ट करना पड़ रहा है। No! अरे ये पुलिस वाले क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कैसे सर, ये पता करने के लिए इनका अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। होम मिनिस्टर को फोन करो सर, प्लीज। आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके मेरी ड्यूटी से मुझे मत रोकिए। मेरे बैंक से 20 लाख रुपए गायब हुए हैं। कंप्यूटर से पता चला है कि वो आपके नाम से ट्रांसफर हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मामले के बीच में मत पड़िए। You cheat! You're cheating me! बेटा, सिद्धार्थ, मुझे क्यों बताया? मैंने क्या किया था? नहीं बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। प्लीज सर, प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है सर। पापा, पापा, पापा! तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना एक इंट्यूशन के बारे में कि चोर ये सारे काम किसी अच्छे कारण के लिए कर रहा है। यही सच है। मैंने जितनी भी चोरियां की उनके पीछे कारण पैसा या लालच नहीं था। मैं बस अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, तुम डरो मत। मैंने इसे अपने बचाव के लिए रखा है। जितना भी पैसा मैंने लूटा उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया, सब यहीं छुपाया है, इसी फ्लैट में, इसके भरोसे। अब ये फ्रेंडशिप मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। तुमने फ्रेंडशिप में मुझे कभी दुखी नहीं किया फिलिप्स। आई एम सॉरी। सिर्फ तुम्हारे ही पास नहीं है, मेरे पास भी है। तुमने जो 3 करोड़ रुपए का घोटाला ढूंढा है ना, वो मैंने अपने लोगों को दिया है। बहुत मेहनत की है मैंने, और उसी का नतीजा है कि तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में है। इसलिए चोरी करने वाले पर इल्जाम लगाने के बजाय उसने खुद चोर बनना पसंद किया, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था और तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। देखो, दोस्त बांधकर मैं चुपचाप आंखें नहीं बंद कर सकता। मुझे इस बारे में जो भी है फैसला लेना ही होगा। ओके, लेकिन उससे पहले एक कोशिश। बुलाओ उसे। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? सिद्धू। हाँ मैं जानता हूँ, ये सब रोकना होगा। मुझे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में जाना है, आगे की जिंदगी खुशी से जीना है। वही मैं वही कहना चाहती थी, और मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जवाब की तुम्हें जरूरत नहीं है रूपा, ये तुम भी जानती हो। फिलिप्स, फिलिप्स, तुम्हारी कोशिश की दाद देता हूं, पर तुम्हें भी पता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। और तुम मेरे रास्ते में मत आओ फिलिप्स। सिद्धू, सिद्धू मेरी बात सुनो, पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये देखो, इसे देख रहे हो? इसे मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के हाथों से लेकर आया हूँ। कल टीवी पर, उसके बाद पेपर में, उसके बाद शहर के हर दीवार पर तुम ही नजर आओगे। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। चोर को बाहर निकालने के लिए वहां देखो, देखा, एक फेक कॉल पे आई हुई पुलिस है। सिर्फ एक फोन और तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। बदला लेने के लिए इस तरह की बेवकूफी ठीक नहीं है। टैलेंट का इस्तेमाल करो, और तुम्हारे लिए ये अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। एक रास्ता है, ये सब छोड़कर खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। किसी अनजान जगह पे चले जाओ। रही बात पुलिस की, उनको मैं हैंडल कर लूंगा। समझदारी से काम लो सिद्धार्थ। सिद्धू प्लीज, मान जाओ। ठीक है, पर माधव का पैसा मैं हैंडओवर करूंगा तुम्हारे कहने पर। यह खेल मैंने खेला है, उसे पता होना चाहिए। लेकिन किस लिए? उसे यह पता चलना चाहिए, यह जरूरी है फिलिप्स। ओके, then the deal is fixed. एक छोटा बच्चा मुझे पिन दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। गुब्बारे को फोड़ने के लिए एक पिन ही काफी होता है माधव। देखो किसी का नुकसान ना हो इसलिए ये डील है, आपकी यहाँ ही काफी है। सबसे छुपकर पोस्टमार्टम करने वाली बात है तुम्हारी। पहले ये बताओ तुम्हें इसे क्या फायदा होगा? दो चोरों का मिलन होगा। मेरी कही बात इस समय तुम्हें समझ में नहीं आएगी इसलिए ऐसा कह रहे हो। चोर होता तो डायरेक्टर से बात करता है। चलो ये भी ठीक है। ये लो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन है वो। सिद्धार्थ चौंकने की जरूरत नहीं है, फिलिप्स की मर्जी से यह डील हुई है और हम दोनों की दोस्ती में कोई दरार ना पड़े इसीलिए यह कर रहा हूं। तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी थी। तुम्हारा बैंक और तुम कभी भी मिट्टी में मिल सकते हो। मेरा मकसद था तुम्हें औकात पे लाना। तो खेल शुरू करें। जानते हो ये क्या है? तुमने बैंक से करोड़ों रुपए कैश कैसे गलत जगह ट्रांसफर किए उन सब का सबूत है ये। इसके सही जगह पहुंचते ही तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। टू द रिजर्व बैंक गवर्नर, टू द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, टू द मीडिया। माधव, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बैंक में छुपाई हुई तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज की सूचना मेरे पास है। मैं ये पहले भी कर सकता था पर ऐसा करने में मजा नहीं आता, पर इसमें मजा आया इसीलिए तो मैंने एटीएम्स लूटे। हम बहुत जल्दी मिलेंगे पर ऐसे नहीं, स्ट्रेट फेस टू फेस। एक रुपया भी खर्च नहीं किया, तुम्हें सब दे दूंगा। कहाँ, कब? डेट और टाइम तुम्हें मैं बताऊंगा, लेकिन गलती से भी कोई होशियारी मत करना। फिलिप्स, द कॉन्वर्सेशन इज ओवर। ठीक है, मिलते हैं। तो वो तुम्हारी सुरक्षा में है? उसकी जरूरत नहीं है, उसकी सुरक्षा वो खुद कर सकता है। सो टिल देन बाय। अप्रैल 2004, सही डेट याद नहीं है। चेन्नई एडिशन। सभी इंग्लिश तमिल पेपर्स लेकर आओ, उसमें होगी उसकी फोटो। ये है, यही है इसकी फोटो। इसका जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं है और यह आज रात होना चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। इसे कहीं से भी ढूंढ निकालो, रोड पे, पार्क में, जहां से भी हो सके, और इसे देखते उड़ा दो। इसे मारा तो तुम्हारा रिवॉर्ड 50 लाख रुपए। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बैग लेकर? इन फेक कार्ड्स और इक्विपमेंट्स को फेंकने के लिए। इन्हें फेंक देना ही ठीक होगा। अगर अचानक कहीं सिद्धू का दिल बदल गया तो मैं भी चल सकता हूँ? क्या हुआ, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? माधव के लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस भी तुम्हें पकड़ सकती है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाना चाहिए। अगर छुपना ही होता तो इतना सब क्यों करते फिलिप्स? वेंकी, अभी तुम एक इल्जाम में फंसे हो। उसके पास पैसा है, पावर है, कुछ भी कर सकता है वो। तुम यहां पे रहोगे तो वो तुम्हें ढूंढ सकता है, और फिर जेल की जिंदगी खराब। देखो मेरी बात मानो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक तुम्हें यहां से दूर जाकर रहना होगा। सिद्धार्थ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिद्धार्थ, पैसा और फाइल मैं हैंडओवर कर दूंगा। ये लो, दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हें जेम्स मिलेगा। मैंने उसे फोन करके बता दिया है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के वीजा में 2 दिन का समय लगेगा। वो सब मैं संभाल लूंगा। चलो, सिक्योरिटी चेकिंग का समय हो गया, चलो। ओके हे, इमोशनल मत हो यार, जिंदगी की एक नई शुरुआत समझ ले, जो भी होगा अच्छा ही होगा। माधव से डील कर रहे हैं, तुम अकेले ही जा रहे हो, सावधान रहना। डोंट वरी, आई विल मैनेज इट। कब मिल रहे हो उससे? आज रात को उसकी शिपिंग कंपनी के यार्ड में। जाओ, टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय। With the wind। उससे तुम्हें क्या काम है? तुम अपने काम से मतलब रखो। पूरा कैश इस बैग के अंदर है। ये लो चाबी। अब तक बैंक से जितने भी पैसे गए थे तुम्हारे पास वापस आ गए। कल के पेपर में यह खबर ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। बैंक से जो भी पैसे गए उसकी डिटेल्स, इसे अच्छी तरह से चेक कर लो। ताला चाबी से नहीं खुल रहा सर। तोड़ दो उसे। माधव, उसने मुझे धोखा दिया है। नाटक करता है मेरे सामने। बताओ कहाँ है? वो आज की फ्लाइट से दिल्ली चला गया। फ्लाइट से चला गया? मार दो इसे। अगर तुम पैसा लेकर आए होते तो भी मैं तुम दोनों को मार देता। अब तुम्हारी मौत उसके अकाउंट में है। बांध कर इसे समुद्र में फेंक दो। एसीपी नंद कुमार माधव। ओह, बोलिए मिस्टर माधव। जिस चोर को पकड़ना था उसे तुम तो नहीं पकड़ सके। मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, पकड़ लोगे? सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, प्रूफ है तो बताइए। जरूर है। अगर तुमने उसे पकड़ा तो तुम्हें रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। डोंट वरी, सरकार ने नहीं दिया तो क्या हुआ। यह माधव तुम्हें 10 लाख रुपए देगा। तुम अपना फैक्स ऑन करो। जस्ट अ मिनट। यस माधव। तस्वीर में जो आदमी है वो दिल्ली गया है आज की फ्लाइट से। अब तुम्हें क्या करना है ये बताने की जरूरत है। ओके माधव, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू। कैबिनेट मिनिस्टर की कॉपी। मंत्री जी, गजेटेड इंफॉर्मेशन आने से पहले मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ भरोसे पर, जितना कहा था उतना है। मीरा। सर। ओपन। क्या हुआ? मधु। सर। ब्रिंग हिम। Hats off ACP। मंत्री जी, पुलिस को हमें सल्यूट करना चाहिए, इतनी स्पीड में काम किया। क्यों ACP? क्रेडिट तुम्हारे अकाउंट में करवा देना। देखा ना, बच्चों को पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देने वाला मास्टर, द ब्रेन बिहाइंड द ग्रेट ATM रॉबरी। सर प्लीज वो सूटकेस मुझे दीजिए। सूटकेस क्यों? उससे तुम्हें क्या काम है? सर उसे ले जाने के लिए नहीं, चेक करने के। क्या हुआ तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या? गोपी। सर। सर ये लोग RBI ऑफिसर्स हैं, ये लोग नोट के सीरियल नंबर चेक करेंगे। अच्छा, लगता है कुछ नया टेस्ट है, चेक कर लो इन्हें। हाँ मीरा, इन्हें कैश विड्रॉल स्लिप, पासबुक और चेकबुक दे दो। कोई जरूरत नहीं है, लिस्ट चेक करके वो लोग पता लगा लेंगे। सीरियल नंबर सर सेम सर। सर इसमें से ₹1 भी आपके काम नहीं आएगा, ये सब ATM से चुराई हुई करेंसी है। व्हाट? थैंक यू वेरी मच। क्या ये सब मुझे फंसाना चाहते हो? मंत्री जी ये कोई चाल है। तुम जरा इधर आओ। गोपी। सर। सर्च एवरीवेयर। ओके सर, कम ऑन, चलो चलो फास्ट, तुम इस तरफ। चलो। यस सर। नहीं पता, मैं जानता हूँ मुझे फंसा रहा है। तेरे तो मैं छोड़ो मुझे। क्या जानता है तू? इसने सब कुछ बता दिया है और सारे सबूत भी हैं। सर इस आदमी ने इससे पहले जितने भी घोटाले किए हैं, इसी तरह किसी को फंसा कर निकल जाएगा। इस ATM रॉबरी में फंसाने के लिए इस आदमी ने मुझे 10 लाख का ऑफर दिया था सर। जी हाँ, पूरे 10 लाख। तेरे ऑफर को मैंने रिकॉर्ड किया है, जब तूने कॉल किया था उस वक्त ये ऑफिस में ही था। सर मेरा नाम सिद्धार्थ है और ये स्केचेस मेरे हैं सर, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। IBI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नंद कुमार माधव, इसके पीछे उनका हाथ है। मैं इसे CBI डायरेक्टर और रिजर्व बैंक के गवर्नर को भेजने वाला हूं सर। प्लीज थैंक यू। एसीपी नंद कुमार माधव हियर। बोलिए माधव। ओके माधव, आई विल डू माई बेस्ट। सुना तुमने, तुम्हें फंसाने के लिए मुझे मिल रहे हैं पूरे 10 लाख। सिर्फ इतना ही नहीं सर, एक और चार्ज है इस पर। इसने किसी की जान लेने की कोशिश भी की। चोर को पकड़ने के लिए अपॉइंट किए हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मारने की कोशिश की।